वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज है 15 जुलाई 2020। राज के करंट जीके के प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, कौन से देश अभी हाल ही में चेचकवा खसरे से मुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में दो देश, मालदीव और श्रीलंका, चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किए गए हैं। इनका लक्ष्य 2023 था, 2023 तक इन्हें मुक्त हो जाना था, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगला है, अभी हाल ही में किसने नया लोगो जारी किया है? तो IOC द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा इस अपना नया लोगो जारी किया गया है और ये 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसी की उपलब्धि उपलक्ष्य में जारी किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, और लेकिन लॉन्च ये 15 अगस्त वाले दिन किया जाएगा। अगला है, अभी सरकारी भूमि हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? देखो, इन्होंने BLUIS नाम की एक ऐप बनाया है जो कृत्रिम रूप से इस चीज़ की जांच करेगा कहाँ कहाँ भूमि पर कब्जे हो रखे हैं, और ये सैटेलाइट के माध्यम से ये सब काम होगा। ये राज्य है उड़ीसा, और वो सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे पहले क्या था यहाँ, अब क्या है, पूरी गाइडलाइंस इसकी एक अलग प्रकार से जारी कर दी गई है। तीसरा प्रश्न है, इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया वन को लॉन्च करेगा? देखो, ब्राज़ील का एक उपग्रह है अमेजोनिया वन, जो ब्राज़ील का पहला अवलोकन उपग्रह है, ये अभी इसरो इसे लॉन्च करेगा, और इसका मेन उद्देश्य है अमेजन के जंगलों में हो रही वनों की कटाई की निगरानी करना, जो अवैध रूप से हो रही है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, और पहली बार 1989 में मनाया गया था, UNDP द्वारा मनाया जाता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आता ही है, याद भी है सभी के। तो मेन है थीम, इसकी जो थीम है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड, सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स। इसकी थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लगभग 3-4 महीने तक जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये थीम पूछी जाती है। अगला है, गूगल प्लस ने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया? देखो, गूगल प्लस में तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से गूगल प्लस ने अपना नाम चेंज कर लिया था, और इसे रिलॉन्च किया गया है गूगल करंट्स के नाम से। अभी है, अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निकोम्बाम चुने गए हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, रोनेम एम वैली जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये मिस्र से संबंधित हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में। अगला है, हिज होलीनेस दी 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी जी शी। देखो, जीवनी है ये, एक करके जीवनी है, तो इस चीज़ को देखना है ये किसने लिखी है, ये दलाई किससे संबंधित है पहले पूछ लिया जाएगा। तो दलाई लामा से संबंधित है, जो तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु होते हैं। लिखी किसने है? तेंजिंग गे टेथोंग ने लिखी है। अगला है, आदिवासी समुदाय हेतु किस राज्य ने आयोग बनाया? देखो, भारत में पहली बार आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक स्टेट द्वारा आयोग बनाया गया है, जो स्टेट का नाम है गुजरात। उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो गिर और वर्धा और आलेच क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, उनके हितों की रक्षा हो, उनका हित कोई ना मार पाए और कोई आदिवासी बनकर फ़ायदा ना उठा ले, केवल आदिवासियों को ही, आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं।